टीवीएस अपाचे 164B और बजाज पल्सर 180F में लगभग 5000 रुपये का अंतर है इनकी प्राइस में, और इस प्राइस रेंज में आपको और भी कई बाइकों के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों बाइकों के बारे में जानना चाहते हैं, इनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इन दोनों बाइकों के मॉडल और डिज़ाइन और सुंदरता को देख के आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुंदरता और डिज़ाइन को देख के बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप कोई भी बाइक खरीद सकते हैं, वहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइस, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस को मिला के ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो ये वीडियो आप जरूर देखें और पूरा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को। इस चैनल पर आपको कंपेयर की वीडियो मिलती रहती हैं बाइक और स्कूटर की, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जान सकें। तो कंपेयर की शुरुआत इन दोनों बाइकों के मॉडल और डिज़ाइन से करते हैं। यहाँ पर अगर लुक की बात की जाए दोनों बाइकों की, तो मुझे देखने में दोनों ही बाइकें काफ़ी बेहतर लगती हैं। टीवीएस अपाचे 164 भी एक नेकेड लुक है, जिसमें आपको 200 सीसी के लुक का काफ़ी मज़ा मिलने वाला है, और पल्सर 180F में आपको हाफ फेयरिंग मतलब 220 सीसी के लुक का मज़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपनी जगह पर दोनों बाइकों का मॉडल सही है। अब ये लगभग आप लोगों की पसंद है, क्योंकि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों को कौन सा मॉडल पसंद है आप लोग ये खुद तय करें। अब हम इसके अलावा और चीज़ों का कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले इंजन के बारे में जान लेते हैं। पल्सर के इंजन की बात की जाए तो इसमें लगाया गया है 178.6 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 17.2 एचपी की 8500 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 14.22 न्यूटन मीटर की 6500 आरपीएम पर। इसमें आपको 5 गियर मिल जाएंगे। पल्सर 180F में आगे है 260 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे है 230 mm की डिस्क ब्रेक, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। टायर इसमें आगे लगाया गया है 90-90-17 का, और पीछे इसमें 120-80-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विथ एंटी फ्रिक्शन बुश वाला, और पीछे है 5B एडजस्टेबल नाइट्रोक सस्पेंशन इसमें लगाया गया है। पल्सर 180F की लगभग सीट हाइट है 795 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, वजन है 151 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक 15 लीटर का लगाया गया है, और व्हील बेस है 1345 mm। मीटर की बात की जाए तो पल्सर 180F में डिजिटल और एनालॉग मीटर लगाया गया है, और वहीं टीवीएस अपाचे 164B की बात की जाए तो इसमें फुली डिजिटल मीटर आपको मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अपाचे 164B के मीटर में। और अपाचे 164B की बात की जाए तो इसमें लगाया गया है 161.7 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 16.2 एचपी की 8000 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 14.8 न्यूटन मीटर की 6500 आरपीएम पर। इसमें भी आपको 5 गियर मिलते हैं। अपाचे 164B में आगे 270 mm की डिस्क ब्रेक है, और पीछे से 130 mm की ड्रम ब्रेक है, और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। टायर की बात की जाए तो आगे 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर है, और पीछे इसमें 110-80-17 का टायर लगाया गया है जो कि ट्यूबलेस है। 17 इंच के अलॉय व्हील आपको इसमें मिलते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो अपाचे 164B में आगे है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे है मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें लगाया गया है। सीट हाइट की बात की जाए अपाचे की, तो इसकी सीट हाइट है लगभग 800 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस है 1357 mm, वजन है 144 किलोग्राम, और पेट्रोल टैंक 12 लीटर का लगाया गया है। माइलेज की बात की जाए तो दोनों बाइकों में आपको लगभग 40 से 45 तक की माइलेज मिल सकती है। अपाचे की माइलेज थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, हो सकता है 45 से 48, या कुछ लोग कहें कि 50 की माइलेज मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोनों बाइकों में लगभग 40 से 45 तक की माइलेज मिल जाएगी। प्राइस की बात की जाए तो अपाचे 164B आपको सिंगल चैनल ABS के साथ लगभग 1,17,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में मिल सकती है। वहीं बजाज पल्सर आपको लगभग 1,12,000 से 1,15,000 रुपये में ये बजाज पल्सर 180F मिल सकती है। यहाँ पर दोनों बाइकों की मैंने आपको लगभग प्राइस बताई है, इसलिए कंफर्म प्राइस के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर पर संपर्क करें, क्योंकि ये घटती और बढ़ती रहती है। तो अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों ही बाइकें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर आपको एक फेयरिंग वाली बाइक ज़्यादा पसंद है तो आपको पल्सर 180F खरीदना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको एक बेहतर मॉडल मिल रहा है, मतलब आपको 200 सीसी का लुक मिल रहा है। तो आपको अगर सिर्फ फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, मतलब कि अगर आप कहीं बाइक लेके जाएं आपको देखने में बाइक थोड़ा सा भारी सी लगे और थोड़ा यूनिक सी लगे, तो आपको पल्सर 180F खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नेकेड बाइक चाहिए, आपको 200 सीसी का लुक 160 सीसी में ही चाहिए, आपको फीचर्स जैसे कि मीटर में ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे, लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, तो इस प्रकार के अगर आप फीचर्स चाहते हैं तो आपको अपाचे 164B लेनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर इंजन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अपाचे 164B के परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, उसके इंजन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। माइलेज मैंने आपको बता दिया है कि लगभग सेम रहेगा, लेकिन रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी अपाचे 164B की। तो यहाँ पर अगर आप रफ राइडिंग करना चाहते हैं, आप नेकेड बाइक चाहते
रहते हैं तो आपको अपाचे 164 भी खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक चाहिए, फेयरिंग वाली बाइक चाहिए, तो आपके लिए पल्सर एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उसमें पावरफुल इंजन आपको कम कीमत में सिंगल चैनल ABS के साथ हाफ फेयरिंग वाली बाइक मिल रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर इस चीज़ को सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता है कि ये बाइक अच्छी है या ये बाइक ख़राब है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों की बात नहीं की जाएगी। अगर आप लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि देखने में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज़ें मैटर करती है कि आप किस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की बाइकों की डिमांड है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप किसी निर्णय पर पहुँच सकते हैं। अगर आप लोगों ने मॉडल को एक डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने प्राइस, माइलेज, फीचर्स, इन सारी चीज़ों को बता ही दिया है, तब आप लोग ये कन्फर्म कर लेंगे कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। तो ये इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकला कि अगर आपको हाफ फेयरिंग एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक कम कीमत में सिंगल चैनल ABS के साथ चाहिए तो आपको पल्सर 180F खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपको रीसेल वैल्यू, एक बेहतर इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन, आपको डिजिटल मीटर, फुली डिजिटल मीटर जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और आपको नेकेड लुक चाहिए, तो आपको अपाचे 160 खरीदनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जान सकें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।